Simplify without using log with table, table using बगैर हमने कल सॉल्व करना है, टेबल के बगैर, कैलकुलेटर के बगैर, ये ऐसे लिखा हुआ है मसलन। इसको हमने सिर्फ जस्ट ये करना है कि log 1.354 इनमें से एक log के अंदर करके लिख, एक log में लिख देना है मल्टीप्लाई की सूरत में प्लस के साइन से। तो इसको बस वही बैक साइड वाले log हम दोबारा से अप्लाई करेंगे इसमें, तो जो हम पिछले सॉल्व में अप्लाई कर चुके हैं, क्या आएगा log प्लस के मल्टीप्लाई और लॉग एक के साथ करके लिख देंगे, क्या होगा 1.3472 मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस के सैम्बल से, और ये क्या रहेगा लॉग की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे हैं इसमें। तो अब ये इधर के साथ क्या देगा माइनस लॉग ऑफ 5। अगर आप एक स्टेप में करना चाहें तो आप डायरेक्टली ये स्टेप भी कर ले सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर MCQs टाइप क्वेश्चन है, अगर आ भी जाए तो इतना सीरियस क्वेश्चन नहीं है। 1.3472 × 22.79 माइनस हो तो ए माइनस बी लॉग, ए माइनस लॉग बी प्रॉपर्टी लॉग के तहत, जो लॉग की प्रॉपर्टी थी उसके तहत ये नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिवाइड आज हो जाएगा। और अगर प्लस हो रहे हैं, प्लस को हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई और माइनस को डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या आ चुका है हमारा आंसर आ चुका है। इसी तरह आप इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, तीन इसके पार्ट हैं तो नेक्स्ट पार्ट में भी यही करना है। वो पार्ट अब लिखता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। पार्ट 2 है लॉग 22.13 प्लस लॉग 0.354 एंड प्लस लॉग 7 प्लस लॉग 7 एंड माइनस लॉग 3 माइनस लॉग 3। तो अब इसको लिखा जा सकता है, अगर एक स्टेप में लिख दूँ मैं डायरेक्ट आंसर, तो ये क्या आ जाएगा लॉग प्लस के साथ वाले टर्म्स इकट्ठी करके इसमें मल्टीप्लाई के सैम्बल में प्लस का सैम्बल रिमूव एंड 1 3 मल्टीप्लाई बाय 0.354 मल्टीप्लाई बाय 7, और ये माइनस है, माइनस के बाद क्या है 3, तो डिवाइड कर दें क्या 3। तो ये क्या आ चुका है हमारा जवाब आ चुका है। इसी तरह इसका जो थर्ड पार्ट है, अगर उसका डायरेक्ट मैं आंसर लिख दूँ वो आपके लिए एक्सरसाइज है, उसका आंसर किस तरह बनेगा थर्ड पार्ट का। तो अब आपको चलो मैं क्वेश्चन लिख ही देता हूँ, क्वेश्चन लिख के, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका log 57.86 log 57.86 अब जो प्लस log 4.385 log 4.385 माइनस log 2.391 391 साथ है एंड पे माइनस लॉग ऑफ 3.3.072। तो ये एंड क्वेश्चन है, इसको ये प्लस वाले टर्म्स हैं ये ऊपर आ जाएंगे, माइनस हैं दोनों में से कॉमन भी लेके इनको नीचे कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्टेप से इंक्रीज करना चाहें तो इसको डायरेक्ट अगर लिखूं, प्लस वाले दो टर्म्स मैंने इकट्ठी कर ली, क्या आ गया 57.86 मल्टीप्लाई का सिंबल आ जाएगा प्लस की जगह पे, तो क्या आ जाएगा 4.385। अच्छा अब ये माइनस है, इधर आप माइनस लिख लें, इन दोनों को टर्म्स को कंबाइन करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर डायरेक्ट लिखना चाहें तो इस तरह से नीचे डायरेक्ट लिख दें 2.391, मैं माइनस वाली डिनोमिनेटर में और प्लस वाली नॉमिनेटर में मल्टीप्लाई करके लिख दें 3.072। तो ये क्या डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ चुका है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 3 सिंपलीफाई यूजिंग विदाउट लॉगरिथमिक टेबल सॉल्व हो चुके हैं। अब 4 क्वेश्चन करते हैं।